नमस्कार बंधु, स्टार मेकर पर सिंगिंग तो मैं करता हूं इस ईयरफोन से हमेशा, पर अभी अभी मैंने ये माइक्रोफोन लिया है। इस माइक्रोफोन से मैं आपको आज स्टार मेकर पर सिंगिंग करके डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा। बहुत से लोग हैं जो ईयरफोन पर गाना पसंद नहीं करते हैं, कंडेंसर माइक पर गाना चाहते हैं या फिर इस प्रकार के माइक पर गाना चाहते हैं। इसकी रिव्यू भी मैंने आपको दे रखे हैं पिछले वीडियोस में। इसमें वो उस तरीके के पिन नहीं होते हैं जिस तरीके के पिन से हम लोग नॉर्मली ईयरफोन लगाकर सिंगिंग करते हैं। तो आज इसका डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा। कई लोग मेरे पिछले वीडियो के जो कंडेंसर माइक से मैंने जो सिंगिंग करी थी, उस कंडेंसर वो केबल वाले थे ऐसे, उसको देख करके बोला कि ये कंडेंसर माइक मोबाइल पर काम नहीं करते हैं, स्टार मेकर पर सिंगिंग नहीं होती। वो जो आप ईयरफोन लगाकर सुनते हो, इस स्प्लिटर का यूज़ करके मैंने बताया था कंडेंसर माइक से कैसे गाते हैं। ये जो कंडेंसर माइक लगे हुए हैं इससे कैसे गाते हैं, तो कहते हैं ये स्प्लिटर काम नहीं करता है। मैंने उस वीडियो में बताया था हो सकता है कि आपके मोबाइल में स्प्लिटर काम ना करे, क्योंकि ये जो पिन है, ये पिन भी तीन चार प्रकार के होते हैं। आपके मोबाइल में कौन सा पिन सेट बैठेगा स्प्लिटर का, हमको नहीं पता। TS, TRS, TRRS तीन टाइप के होते हैं, उस वीडियो में डिटेल में दिया हूं मैंने, वो देखिएगा। इस कंडेंसर माइक के साथ ये केबल है, इसका ये वाला पार्ट हमको इस माइक्रोफोन में लगाना है और उसका ये वाला पार्ट हमको लैपटॉप में लगाना है। पर हमको स्टार मेकर सिंगिंग तो मोबाइल में करना है, फिर कैसे करेंगे? तो हम ऐसे करेंगे कि इसको तो हम जस का तस लगा देंगे, ये हमने इसमें फिट कर दिया, और ये वाला पोर्शन हम मोबाइल में फिट करने के लिए एक छोटी सी वस्तु खरीद के लाए हैं मार्केट से, इसको हम इसके साथ फिट कर लेंगे। और फिट करने के बाद इस वाले पोर्शन को हम सीधे सीधे मोबाइल में लगाएंगे। मैं ये पूरा का पूरा ये सेटअप आपको अलग से शूट करके समझाता हूँ कि इसके साथ आपने माइक मोबाइल को तो फिट कर दिया, पर अब आपको स्टार मेकर के जो म्यूजिक ट्रैक है, उस म्यूजिक ट्रैक की साउंड कहाँ से सुनाई देगी? उसको सुनते हुए ही तो आप रिकॉर्डिंग करेंगे। तो मैं अभी एक सॉन्ग रिकॉर्ड करूंगा, आपकी आंखों में कोई महके हुए से राज हैं। उसके लिए मैं ये पूरा सेटअप तैयार करूंगा। मैं माइक्रोफोन के सामने पॉप फिल्टर लगाऊंगा, वो मोबाइल है स्टैंड में, उसके साथ मैं इसको फिट करूंगा। और फिट करने के बाद ये जो ईयरफोन है, इस ईयरफोन को इस माइक्रोफोन में यहाँ पीछे की ओर लगाने की जगह है कि आप माइक्रोफोन में जो कुछ बोल रहे हैं या उस मोबाइल में जो कुछ भी चलेगा साउंड, वो सब आपको इस ईयरफोन में सुनाई देगा। अब कुछ लोग ये कह सकते हैं कि रिकॉर्डिंग माइक में नहीं हो रही, इस ईयरफोन से हो रही है। तो पिछले वीडियो में मैंने बिना ईयरफोन के इस माइक में रिकॉर्ड करके मैंने दिखाया कि मोबाइल में ये माइक बहुत अच्छे से रिकॉर्ड हो जाते हैं। इस माइक में थोड़ी सी एक परेशानी ये आ सकती है कि आपका मोबाइल जिसके साथ आप इसको कॉन्टेक्ट करेंगे वो फुल रिचार्ज जो हो, क्योंकि इसको थोड़ी सी पावर की ज़रूरत होती है जो कि लैपटॉप से मिलता है। पर आपके मोबाइल में अगर इतनी कैपेसिटी है कि एक नॉर्मल सैमसंग का, तो एक मेरे मोबाइल में तो हो गया है, और मुझे उम्मीद है कि इसको इतनी पावर की ज़रूरत नहीं होती है, एक मोबाइल से इसको उतना पावर मिल जाता है। तो यहाँ पर ये हरे रंग की लाइट जलने लगती है, उससे समझ में आ जाता है कि हमारा ईयरफोन, ये माइक्रोफोन को पावर मिलता आ रहा है। तो मैं इस तरीके से रख करके आज एक सॉन्ग गाऊंगा, और उस सॉन्ग को आप स्टार मेकर पर जाकर के देख सकते हैं। चूंकि कॉपीराइट आ सकता है, इस कारण से मैं इसको वीडियो में ऐड नहीं करूंगा, थोड़ा सा क्लिप आपको सुनाऊंगा, पर आप स्टार मेकर पर जाकर के उस सॉन्ग को पूरा का पूरा वीडियो सॉन्ग आप सुन सकते हैं। तो देखिए, हर एक की हैसियत नहीं है इतना खर्च करके, ज़्यादा खर्च करके एक सेटअप लगा करके सिंगिंग करना। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, जो काम 100-150-200 रुपये में हो सकता है, उस काम के लिए हम 5,000-10,000 रुपये क्यों खर्च करें? हर प्रकार के लोग हैं हमारे समाज में, छोटे बड़े कमज़ोर। मैं खुद इसी का इस्तेमाल करता रहा और भविष्य में ही करूँगा, है ना। पर कई लोग होते हैं जो शौकिया होते हैं, शौक रखते हैं, कई प्रकार के शौकीन होते हैं, वो लोग कंडेंसर माइक भी इस्तेमाल करना चाहेंगे और वो माइक्रोफोन भी इस्तेमाल करना चाहती है। तो सिर्फ 4,000 के आसपास का माइक्रोफोन है, लोग 10-10-15-15,000 के माइक्रोफोन भी इस्तेमाल करते हैं। तो मैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको, जो ये खर्च कर सकते हैं पर उनको आइडिया नहीं है कैसे करके करेंगे। तो मेरे वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि ऐसे लोग जो ये खर्च उठा सकते हैं वो समझ ले कैसे करके हम स्टार मेकर पर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं इस माइक्रोफोन के द्वारा। और इस माइक्रोफोन का जो
परचेसिंग लिंक है अमेजन का, अमेजन में आप जा करके इसको ढूंढने की आपको ज़रूरत नहीं है। अमेजन में जब मेरे वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें इसकी लिंक दे रखा हूँ मैंने, अगर आपको ये देखना हो समझना हो तो आप उस पर लिंक करके उस अमेजन के वेबसाइट तक जा सकते हैं, प्रोडक्ट तक सीधे जाएंगे और वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं जो लोग इसको खरीदने की क्षमता रखते हैं। बाकी लोग निराश ना हो, सब मेरे जैसे लोग हैं, मेरे भाई बहन हैं, जो लोग नहीं खर्च कर पाते हैं हम लोग इसी में संतुष्ट हैं। मैं इस माइक्रोफोन को सिंगिंग के लिए नहीं खरीदा हूँ, मैं इस माइक्रोफोन को वीडियो बनाने के लिए खरीदा हूँ और इससे मैं वीडियो रिकॉर्डिंग में ही इसका इस्तेमाल मैं किया करूँगा। तो आइए आगे का प्रोसीजर देखते हैं, मैं इसकी पूरी शूट करके आपको दिखाऊंगा किस तरीके से मैंने ये सब पूरा सेट किया केबल्स को और किस तरीके से मैंने रिकॉर्डिंग करी, वो रिकॉर्डिंग मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। अरे सुनो ना, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना प्लीज। अरे सुनो तो, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी दबा देना तो हमारे वीडियो तुरंत आप सभी लोगों तक पहुँच जाएगी। अब इसको मैंने यहाँ पर रखा, मुझको आज इस माइक्रोफोन से स्टार मेकर पर सिंगिंग करनी है। इस माइक्रोफोन को रखने के बाद मैंने इसके सामने ये पॉप फिल्टर लगा दिया है। मैं यहाँ से गाऊंगा, इधर मुंह रख करके मैं गाऊंगा ताकि मेरे मुंह की हवा इस माइक पर ना गिरे। और इसकी ये जो केबल है, इस केबल को ये जो है ये कंप्यूटर में लगाने के लिए है पोर्ट। अब इसको मोबाइल में फिट करने के लिए हमें ये एक छोटी सी चीज़ लेनी पड़ी। ये छोटी सी चीज़ मैं मार्केट से लेकर के आया हूँ ताकि ये जो पिन है ये पिन मोबाइल में फिट हो जाए। मैंने यहाँ पर स्टैंड पर ये मोबाइल लगा रखा, इस मोबाइल में मैं सिंगिंग करूँगा और इसका जो पोर्ट है उसमें ये पिन लगते हैं और इस पिन को हम इनके साथ कनेक्ट कर देंगे। ऐसे करके इसके अंदर ये चला जाएगा और ये वाला पार्ट जा करके मैं अपने मोबाइल में फिट करूँगा यहाँ। तो मैं इसको फिट करके फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इस केबल में, माइक्रोफोन के केबल में हमने ये वाला हिस्सा इसके साथ जोड़ दिया। अब मैं इसको इस मोबाइल फ़ोन के साथ कनेक्ट करूँगा। अब ये देखिए, इस माइक्रोफोन से ये केबल मैंने ये मोबाइल में इसको कनेक्ट कर दिया। इस मोबाइल में मैं अभी स्टार मेकर ओपन करूँगा और आपके सामने इसमें सॉन्ग गाऊँगा। ज्यों ही मैंने मोबाइल में इसको कनेक्ट किया है, ये देखिए माइक्रोफोन में एक ग्रीन कलर की लाइट जल रही है। इसका मतलब ये है कि माइक्रोफोन को फुल सपोर्ट मोबाइल से मिलता जा रहा है, मोबाइल से उसको एनर्जी मिलती जा रही है। क्योंकि जनरली इसका उपयोग लैपटॉप में किया जाता है और लैपटॉप में जो भी इसका यूएसबी पोर्ट लगाया जाता है तो लैपटॉप से एक अच्छा खासा करंट 12 वोल्ट के आसपास का इसको मिल जाता है, जो कि मेरे मोबाइल से इसको मिलता जा रहा है। अब जब हम इस मोबाइल में स्टार मेकर ओपन करेंगे तो हमको उसकी जो म्यूज़िक ट्रैक है वो कहाँ से सुनाई देगी। तो ये देखिए, माइक्रोफोन के पीछे जहाँ पर ये पोर्ट लगा है उसके ठीक ऊपर एक और पोर्ट है, वहाँ पर हमको हेडफोन या फिर जो एयरफोन है वो लगाना है। तो जो ही हम स्टार मेकर पर गाना या ट्रैक प्ले करेंगे इस मोबाइल में, तो हमको यहाँ से इस माइक के थ्रू हमको वो ट्रैक की आवाज़ म्यूज़िक जो है सुनाई देगी और इस माइक के सामने बैठ करके हम उस म्यूज़िक को सुन करके हम सॉन्ग गाएंगे, रिकॉर्ड करेंगे और उस मोबाइल में वो रिकॉर्ड होगा। तो अब मैंने अपने इस माइक्रोफोन में, ये देखिए, मैंने एयरफोन यहाँ पर लगा दिया और ये एयरफोन की केबल है, ये एयरफोन की केबल यहाँ पर रखी हुई है और मैं अभी इस कुर्सी पर बैठूँगा और बैठ करके उस एयरफोन को कान में लगाऊँगा। इस पॉप फिल्टर के सामने अपना मुँह ले जा करके मैं सिंगिंग करूँगा और इस मोबाइल में सॉन्ग रिकॉर्ड होएगा। इस मोबाइल में हम स्टार मेकर ओपन करेंगे और हम यहाँ से ये जो ट्रैक है, आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है, इस सॉन्ग को मैं इस ट्रैक पर गाऊँगा। मैं यहाँ से सिंग ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ और जो ही सिंग ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया मैंने तो ये सॉन्ग जो है अब रिकॉर्ड होने के लिए तैयार है। मेरे को ड्यूट गाना है तो मैंने ड्यूट सेलेक्ट किया और ड्यूट सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको अब गाऊंगा और ये केबल, सिंगल केबल इस माइक्रोफोन में और माइक्रोफोन से एक ईयरफोन जो है मेरे टेबल पर और मैं यहाँ पर बैठ करके गाऊँगा। आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है, आपकी आँखों में कुछ। रूप रंग थोड़ा सा चेंज हो चुका है, ये कोरोना की देन है, बाल खत्म हो रहे हैं,
और इतनी गर्मी में बैठ करके मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। मेरा कोई बहुत बड़ा स्टूडियो नहीं है, इसमें कोई एसी वगैरह नहीं है, फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो वगैरह बनाता रहता हूँ। और उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो, जिसमें मैंने इस माइक्रोफोन को सीधे मोबाइल से कनेक्ट करके किस तरीके से आप स्टार में करके सिंगिंग कर सकते हैं, ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी है तो एक अच्छा सा कमेंट करिएगा, एक लाइक दीजिएगा, मुझे खुशी होगी। और आगे मैं जब और अच्छे अच्छे वीडियोज़ दूंगा तो आप लोगों को भी खुशी होगी। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।